हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की ये वीडियो होने वाली है अबाउट टॉप 10 थिंग्स दैट यू शुड टेक केयर इन कोरोना, और बेसिकली द एक्शन प्लान यू मस्ट फॉलो ड्यूरिंग कोरोना। वी गॉट कोरोना पॉजिटिव, वी लाइक टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना ऑन 6th of July। मैं इस वीडियो में अपनी जर्नी नहीं शेयर करना चाहती हूँ बिकॉज दैट इज वेरी डिस्टर्बिंग एंड आई डोंट वॉन्ट टू रीलिव दोज डेज और दोज मोमेंट्स अगेन। आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर पॉइंटर्स जो आपको हेल्प कर सकते हैं इन केस यू आर कोरोना पॉजिटिव। ठीक है, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। मेरा सिर्फ और सिर्फ ये मोटिव है कि आपको पता हो कि आपको क्या करना है, क्योंकि हमें यही नहीं पता होता हमें करना क्या है। वी पैनिक अ लॉट, सो प्लीज कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड एंड शेयर इट इफ यू फील इट कैन हेल्प समबडी। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज सेल्फ आइसोलेशन। आपको अगर लगता है कि आपको अनयूजुअल कुछ हो रहा है, लाइक फीवर के साथ आपको गले में कुछ प्रॉब्लम हो रही है या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको नॉर्मली नहीं होता है, तो आप दूसरे रूम में रहना शुरू कर दो, जिससे कि अगर आप जब तक टेस्ट कराओगे रिपोर्ट आएगी, आप अगर कोरोना पॉजिटिव हो तो आपके घर में बाकी लोग आपसे इन्फेक्ट ना हो। सो सेल्फ आइसोलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको ये इमीडिएटली कर लेना चाहिए। सेकेंड स्टेप इज बाय ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर एक डिवाइस होती है जिससे आप अपने ऑक्सीजन लेवल्स चेक कर सकते हो। इस टाइप का वो दिखता है और इसमें आपको जैसे फिंगर डालते हैं तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन लेवल शो होता है। सो ऑक्सीमीटर आपके पास इन एडवांस भी आप मंगा के रख सकते हो इनकेस आपको जरूरत पड़ जाए, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल्स आपको मॉनिटर करने बहुत जरूरी है। इनकेस आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा डाउन जाता है तो आपको डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट करना पड़ सकता है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू वेयर मास्क ऑल द टाइम, जिससे कि आप किसी और को अपने घर में इन्फेक्ट ना करो। आपको मास्क लगाना ही पड़ेगा। इनिशियली आपको बहुत सफोकेटिंग फील हो सकता है, बहुत अजीब लगेगा, क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं है कि हम मास्क लगा के काम करें या मास्क लगा के थोड़ी देर भी रहें। बट अगर आपको डाउट है कि आप कोरोना पॉजिटिव हो तो आप इनिशियली मास्क जरूर लगाएं जब तक आपकी रिपोर्ट्स नहीं आ जाती। ऑल दो एक और चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ कि रिपोर्ट्स की एक्यूरेसी भी 60-70% ही है। अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपकी फर्स्ट रिपोर्ट ही पॉजिटिव आ जाएगी, हो सकता है आपकी फर्स्ट रिपोर्ट नेगेटिव आए। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज टू यूज सेपरेट यूटेंसिल्स एंड वॉशरूम। आप अपने खाने के बर्तन अलग कर लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है ये। और अगर पॉसिबल है तो आप अलग वॉशरूम भी यूज करिए। अगर आपके घर में दो वॉशरूम्स हैं तो एक सेपरेट वॉशरूम आप अपना ही यूज करिए, दूसरा वॉशरूम बाकी लोगों को यूज करने दीजिए, सो दैट इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएं। फिफ्थ स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्या खाना है और क्या पीना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है सो दैट आपकी बॉडी जल्दी रिकवर कर पाए। और आपको गर्म पानी पीना है जितना आप पी सकते हो, गार्गल करना है और आपको स्टीम लेनी है। ये सब पॉइंट्स मैं एक ही उसमें जोड़ रही हूँ, क्योंकि तीनों चारों चीजें कंबाइंड है, आपको ये डेफिनेटली हर डे करना है। खाने से पहले आप हॉट लेमन वाटर ले सकते हो और खाने के बाद एक घंटे बाद आप काढ़ा पी सकते हो। मतलब ऐसा आप तीनों टाइम कर सकते हो, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये हमने भी किया था। सो इससे आपको बहुत फर्क लगेगा। इससे मेन आपका क्या है कि आपका अगर कफ नहीं है तो वो नहीं होगा, आपको चांसेस हैं कि आपका कफ नहीं बनेगा, आपको गला आपका क्लियर रहेगा, वो बहुत रहना जरूरी है। और अगर आपको इनिशियली कफ है या फिर आपको गले में कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। स्टीम आपको जरूर लेनी है, स्टीम से बहुत जल्दी आपको रिलैक्स मिलेगा और बहुत अच्छा फील होगा। बहुत कुछ लगेगा आपको, मेरे को क्यों हो गया, ऐसा क्यों हुआ, बट अब अगर आपको हो चुका है तो अब आपको इससे फाइट करना है, राइट। सो आप अपनी फीलिंग्स जो भी आप शेयर कर सकते हो किसी से भी, जो भी आपकी क्लोजेस्ट है, आप जरूर शेयर करो, अपने मन में मत रखो, क्योंकि आप ऑलरेडी मेंटली स्ट्रेस्ड हो जाओगे कोरोना जैसे ही आपको होगा। आप बहुत सारी चीजें सोचने लगोगे, सब कुछ होगा, ये सब नेचुरल है, सबके साथ होता है। बट शेयरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका फ्रेंड हो, आपकी मदर हो, आपके फादर हो, आपका ब्रदर सिस्टर जो भी है, सबसे किसी से भी आप शेयर करिए। अपनी कोई भी चीज आप अंदर मत रखो क्योंकि उससे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। सो अपने आपको आप नेक्स्ट आई वांट टू शेयर इज टेम्परेचर। आप अपना हर 4 घंटे में चेक करो। आप एक मॉनिटर आपको करना है अपने सिम्टम्स को, बेसिकली कि आपको और क्या क्या हो रहा है एडिशनल, या आपको क्या क्या चल रहा है। अगर आपको फीवर है तो कितना फीवर आ रहा है, 4 आवर्स आफ्टर एवरी 4 आवर्स अपना फीवर चेक करो। ऑक्सीमीटर में आप अपना लेवल्स देखते रहो ऑक्सीजन के। और अगर आपको कुछ भी एडिशनल सिम्टम फील हो रहा है तो अपने डॉक्टर के साथ शेयर कर सकते हो। आपको बेसिकली इनिशियल 5 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आगे का टाइम भी इम्पॉर्टेंट रहता है, बट इनिशियल 5 डेज आपको एटमोस्ट केयर करनी है, अपना पूरा प्रिकॉशन रखना है, देखना है कि आपको क्या हो रहा है या आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं या आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। सो इसीलिए टेम्परेचर आपको जरूर चेक करना है, कितना बढ़ रहा है या कितना कम है। इसमें लो ग्रेड फीवर भी आता है, मुझे पर्सनली लो ग्रेड फीवर ही था। फर्स्ट मी आप बस एक बार अपने माइंड में अजम्पशन बना लो
अफर्मेशन बना लो कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, अपने आप को उस स्टेट में फील करो। उस स्टेट में फील करना आई नो इजी नहीं होता, हमें लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ या कुछ भी, बट आप एक बार सोच लो आपको हो गया है, आप कुछ कर नहीं सकते, यू कैन ओनली फाइट इट। सो डिफीट इट विद योर बेस्ट विल पावर, स्ट्रांगेस्ट विल पावर। आप अपनी पूरी जान लगा दो कि मुझे तो ये डिफीट ही करना है। कोरोना पॉजिटिव हुआ है ना, बट हम उससे ज्यादा पॉजिटिव है कि हम उसको डिफीट कर देंगे। सो ट्रस्ट मी, मेक श्योर कि आप अपने आपको ज्यादा स्ट्रेस मत लो इस चीज से, क्योंकि आपकी बॉडी पे ऑलरेडी स्ट्रेस आ रहा है। तो अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बना लो कि कोरोना पॉजिटिव से ज्यादा पॉजिटिव तो हम है, हम इसको डेफिनेटली डिफीट करेंगे। सो यू विल डेफिनेटली ओवरकम इट एंड यू विल बी टोटली फाइन। लास्टली आई जस्ट वॉन्ट टू से, अगर आपके नियर बाय या कोई भी आस पास कोरोना पॉजिटिव है, अगर आप उसकी कोई भी हेल्प कर सकते हो, छोटी सी हेल्प कर सकते हो, प्लीज जरूर करिए। प्लीज बी काइंड, प्लीज शो ह्यूमैनिटी। आपकी एक छोटी सी हेल्प उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा मायने रखेगी। हमारे नेबर्स ने बहुत हमारी हेल्प करी एंड वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू देम, बिकॉज उस टाइम पर हमें मेंटली ऑलरेडी इतना स्ट्रेन होता है, बॉडी हमारी वीक है, हम मेंटली स्ट्रेस्ड आउट है, पता नहीं होता क्या करना है, हमारी फैमिलीज हमें हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि वो आ नहीं सकते हैं, इतना सब कुछ चल रहा होता है। तो अगर आपके पास आसपास कोई भी कोरोना पॉजिटिव है, प्लीज डोंट बी स्केयर्ड कि आपको भी हो जाएगा। आप पूरी प्रिकॉशंस लो, आप उनके घर के बाहर ही कुछ जो भी आपको हेल्प प्रोवाइड करनी है आप कर सकते हो, घर के बाहर सामान रख दो, इट विल मीन अ लॉट टू देम। सो लास्टली आई जस्ट वॉन्ट टू एंड दिस वीडियो सेइंग दिस, प्लीज बी काइंड विद एनी वन हु इज डीलिंग विद कोरोना एंड ट्रस्ट मी, इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू बीट कोरोना। यू कैन डेफिनेटली बीट कोरोना विद योर पॉजिटिव एटीट्यूड एंड योर स्ट्रांग विल।